नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भोजपुरी में एक कहावत है, हंसले घर बसले, मतलब जिस पर लोग ज्यादा हंसते हैं उसी का घर बस जाता है। ये कहावत अभी हाल फिलहाल सीएम नीतीश कुमार के लिए है, जो कि बगावत करके बीजेपी पर हंस रहे थे, लेकिन बीजेपी तो आगे ही निकल रही है, उल्टा उनको ही भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए ना, जहां एक तरफ वो कांग्रेस से उसका साथ मांग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब उनके करीबी ने उनका साथ छोड़ दिया है, जिसके चलते चर्चा तो यही चल रही है कि पीएम मोदी से बगावत करने का अंजाम अब सीएम नीतीश कुमार भुगत रहे हैं। दरअसल काफी वक्त से सीएम नीतीश से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने अब जेडीयू को अलविदा कह दिया है। 20 फरवरी को उन्होंने जदयू छोड़ने का ऐलान किया। ऐलान करने के साथ साथ नई पार्टी बनाने की भी घोषणा कर दी। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मैं पार्टी की तमाम जिम्मेदारियां छोड़ रहा हूं। सीएम नीतीश कुमार और लल्लन सिंह को सुबह जानकारी दी थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा, विपक्षी पार्टियों में एकता नहीं है और ऐसे में पीएम मोदी के लिए 2024 में जीतना आसान होगा। इसके अलावा उन्होंने इस ओर इशारा भी किया कि राजद के साथ सीएम नीतीश का जाने का निर्णय सही नहीं था। वो कहते हैं, नीतीश कुमार ने शुरुआत में अच्छा किया, लेकिन अंत में जिस रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू किया वो उनके और बिहार के लिए बुरा है। सीएम अपनी मनमर्जी नहीं कर रहे हैं, वे अब अपने आसपास के लोगों के सुझाव के अनुसार काम कर रहे हैं। अब इसके बाद से राजनीतिक गलियारे में बातें तो यही चल रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से बगावत करने का अंजाम अब भुगत रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, क्योंकि एक तो खुद उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस ओर इशारा किया, राजद के साथ जाकर सीएम नीतीश ने गलत किया, यानी बीजेपी का साथ छोड़ना गलत था, और शायद इसी बात से उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे, इसलिए उन्होंने जदयू का साथ छोड़ दिया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा, आज से एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है। नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा है। चुने हुए साथियों को पटना बुलाया है। सारे लोग अपनी परेशानी बता रहे थे। आम जनता के बीच भी चिंता है। सभी लोगों ने निर्णय लिया। शुरुआती दौर में लालू जी ने भी जनता का ख्याल रखा, लेकिन बाद के दिनों में उनमें भटकाव आया। आपको ये भी बता दें कि जब सीएम नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़कर राजद का हाथ थामा था, तब उन्हें लगा था कि बीजेपी हल्की पार्टी है, लेकिन धीरे धीरे उनका ये भ्रम दूर हो गया, जिसका नतीजा है कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि सीएम नीतीश के इतने करीबी थे, अब उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। ऐसे तो नीतीश कुमार कभी खुद से बोलते नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से वो चिढ़ते हैं। ऐसी खबरें भी अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो बैठ सके। हालांकि वो हमेशा से इस बात से इनकार करते आए हैं। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा ने और क्या कहा, आप भी सुनिए।